हमारी यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए उड़ीसा की महान भूमि पर पहुंची है। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, पिछला जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था उसके दौरान जो देश के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी से मिले, हम भारत यात्रियों से मिले, उन्होंने जो अपना दर्द साझा किया, उनके मन की बात सुनने के बाद हमारी पार्टी को, हमारे नेता को ये लगता है कि इस देश में अन्याय को समाप्त किए बिना, न्याय की स्थापना किए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, देश शक्तिशाली नहीं होगा। और देश का मतलब देश के 140 करोड़ लोग। तो ये जो देश के 140 करोड़ लोग हैं, उनके साथ, किसी के साथ भी जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को समाप्त करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा पांच तरह के न्याय की बात कर रही है। पहला युवा न्याय, दूसरा हिस्सेदारी न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा किसान न्याय और पांचवा श्रमिकों का न्याय। ये पांच प्रकार के न्याय से इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा हो तो हम न्याय उनको दिला सकें, न्याय को स्थापित कर सकें, इसी संकल्प को लेकर के यात्रा चल रही है। और आज जब हमारी यात्रा राउरकेला में है और जयराम जी ने आपको इस देश के पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाने के बाद तमाम तरह से सहयोग इकट्ठा करके इस देश में पब्लिक सेक्टर बनाई, प्रश्न ये उठता है कि आज वो पब्लिक सेक्टर फ्रेंड सेक्टर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये कौन सा मॉडल है। पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में तब्दील कर रहे हैं, और उनकी इस पकौड़ानोमिक्स के चलते, ये जो पकौड़ा तलने वाली जो इकोनॉमिक्स है उसके चलते आज देश में कमर तोड़ महंगाई और जबरदस्त बेरोजगारी है। और ये आंकड़ा आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और जब आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो आए दिन आपको इस देश के बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे भर्ती को लेकर के नौजवानों ने एक बड़ा आंदोलन किया, आपने देखा होगा, अलग बात है कि आपने नहीं दिखाया, लेकिन आपने देखा जरूर होगा कि इस देश के नौजवान अपने रोजगार के लिए किस तरह से दर दर भटक रहे हैं। अगर आप सिर्फ केंद्र सरकार की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी इन पदों को भरने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, उल्टे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप पकौड़ा बनाइए, मतलब वो इस देश के नौजवानों को उल्लू बनाएंगे और नौजवानों को कहेंगे कि आप पकौड़ा बनाइए। इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा देखिए बिल्कुल साफ है, वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं और दोस्त जो है उनके, वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर में तब्दील कर रहे हैं, अपना जो है जो पब्लिक की संपत्ति है वो अब निजी संपत्ति में कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। और इस मॉडल के चलते ये हो रहा है कि धीरे 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 सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, मतलब बिल्कुल सीधा है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ना रहेगा पब्लिक सेक्टर ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं देना पड़ेगा तो देश के आम नौजवानों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, मतलब इस देश के सांसद को पेंशन मिलेगा, आवास मिलेगा, टेलीफोन का बिल मिलेगा, हवाई जहाज ट्रेन पर चढ़ने का किराया मिलेगा, लेकिन इस देश के जो आम नौजवान हैं, आम परिवार के नौजवान हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। और यह जो बेरोजगारी का दंश है, यह जो बेरोजगारी बेकारी जो एक बीमारी बन गई है, इसके चलते आज नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। आप जानते हैं कि एक घंटे से भी कम समय में एक नौजवान देश के किसी न किसी कोने में आत्महत्या कर लेता है। अब ये आंकड़ा दो हो चुका है, जितना किसान आत्महत्या कर रहे हैं उतना ही जवान आत्महत्या करना शुरू कर दिए हैं देश में, ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से यह सवाल उठा रहा हूँ कि अगर इस देश के गृह मंत्री के बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, मतलब गृह मंत्री का बेटा बनेगा BCCI का सेक्रेटरी और देश के नौजवानों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी, ये जो बेईमानी है सरेआम आंख के सामने देश का मुद्दा भटका करके देश की संपत्ति जो बेची जा रही है, इस बेचने के खिलाफ यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय को बचाने की लड़ाई है,
इसीलिए हम इस देश के नौजवानों से अपील करते हैं कि यह यात्रा एक वैचारिक यात्रा है, हक और अधिकार की यात्रा है, यह न्याय की यात्रा है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको आपकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आपके परिवार के लोग राजनीति में नहीं हैं, आपके परिवार के लोग प्रधानमंत्री के दोस्त नहीं हैं, तो आपको अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ करके आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना चाहिए और देश में अन्याय के खिलाफ न्याय योद्धा बनना चाहिए। बेकारी से आत्महत्या की जरूरत नहीं है, बेकारी के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है और देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपने हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए, न्याय का अधिकार पाने के लिए हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा। यही अपील मैं उड़ीसा के नौजवानों से भी कहता हूं कि आप रोजगार के लिए अपना राज्य छोड़ करके, लाखों नौजवान उड़ीसा छोड़ करके दूसरे राज्य में नौकरियां ढूंढ रहे हैं और बाहर की कंपनी जो मोदानी जी है ना, मोदी जी और अदानी जी, उनका जो इकोनॉमिक्स चल रहा है, यहाँ के जो संसाधन वो लूट रहे हैं, इस लूट के खिलाफ उनको एकजुट होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपके सवाल होंगे उसका जवाब देने का प्रयास। धन्यवाद। पूरा भारत वर्ष में शिक्षा का स्तर पूरा गिरा हुआ, सरकारी स्तर का। कहाँ? उड़ीसा में। पूरा भारत वर्ष में सरकारी स्कूल का स्तर गिरा हुआ है, इस विषय में बताइए। अब बोलिए सरकारी स्कूल। सर दो दिन राहुल गांधी जी का सरकारी स्कूल, एक मिनट, सरकारी स्कूल के बारे में। ये प्लेसमेंट है, बीजेपी नहीं है। देखिए, आपने इतना जो सवाल पूछा गया है ना, मतलब का सवाल आप ही पूछे। सबसे जरूरी सवाल आपने पूछा है, मुद्दे का सवाल आपने पूछा है। शिक्षा की दुर्दशा इसलिए है कि शिक्षा मौजूदा सरकार का एजेंडा नहीं है, स्कूल मौजूदा सरकार का एजेंडा नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मौजूदा सरकार का एजेंडा नहीं है। अगर उसका एजेंडा होता तो शिक्षा का ये दुर्दशा नहीं होता। आपको हम बताते हैं, एक बात को आकरा दे रहे हैं। अभी हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया और हमारी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हैं, और उस बजट में उन्होंने 60% से ज्यादा, मतलब जो पहले 100 रुपया खर्च किया जाता था अब 40 रुपया खर्च किया जाएगा, 60% से ज्यादा बजट की कटौती की गई है। मतलब शिक्षा पे पैसा खर्च ही नहीं करना है। पैसा किस पे खर्च करना है? प्रचार पे। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ। एक नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस योजना के तहत जितना पैसा खर्च किया गया उसमें एक भी स्कूल नहीं खोला गया, सिर्फ प्रचार पे खर्च किया गया। मतलब प्रधानमंत्री जी को लगता है कि नाम बदलने से और भेष बदलने से देश बदलता है, इसीलिए वो प्रचार पे सारा पैसा खर्च करते हैं, स्कूल खोलने पे खर्च नहीं करते। स्कूल की अगर मैं बात करूं, एक बात और बता दूं, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो अखबार के किसी कोने में इतना छोटा सा न्यूज आता है कि सरकार ने 500 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। ये स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? ये स्कूल इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि स्कूल की जमीन को भू माफियाओं को दिया जा सके, उसका लैंड कैप्चर करने का ये साजिश रचा जा रहा है। इसीलिए तो मैं देश के आम नौजवानों से अपील करता हूँ, हम साधारण लोग हैं, शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर हमको शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारी पीढ़ियां जो है वो पढ़ नहीं पाती और हम मिडिल क्लास नहीं बनते, पब्लिक सेक्टर नहीं होता, हमको नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए जो आपको भ्रमित किया जा रहा है ना कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए। साहब प्रधानमंत्री जी, आप स्नेचर बने हुए हैं, आप जॉब स्नेचर हैं, तो हम जॉब गिवर कैसे बने? ये पॉलिसी का सवाल है। करना ये चाहिए कि हम एक मांग करते हैं एनएसयूआई की तरफ से कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, हमारी सरकार बनेगी, हम एजुकेशन बजट को बढ़ाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन पे खर्च करेंगे। न्याय का हक मिलने तक।